ए गाइस, आज मैं बताऊंगा कैसे आप बिना वेरिफिकेशन और फोन नंबर डाले अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टी मेल। इसका मैं प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा क्या आएगा इसका यूज। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर जी मेल वाले में चले जाना है। जी मेल में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा एड अनदर अकाउंट, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको गूगल वाले पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर माई सेल्फ आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर सेल्फ करोगे यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना, सेकंड नेम डाल देना। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम डाल दिया कुछ भी और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देन के बाद सिंपली यहाँ पर आपको डे सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा दिन रहना चाहिए, और मंथ सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा जनवरी फरवरी मार्च, तो मैं यहाँ पर मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर सेलेक्ट कर लेना है कौन सा ईयर, तो यहाँ पर मैं 2004 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 18 साल पुराना ही पुराना है, यहाँ पर 2004 सेलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मेल फीमेल या फिर कोई और, तो यहाँ पर मैं अपना मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर आपको चूज योर जी मेल एड्रेस का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्रिएट योर ओन जी मेल का एक एड्रेस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कटआउट कर लेना है। कटआउट कर लेने के बाद सिंपली आपको जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड की थी उसका भी यूज करना है। एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हुआ, सिंपली आपको राइट तरफ स्क्रॉल करते देना और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना। देखिए जैसे आप राइट पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको देखिए एक जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेने के बाद वापस से बैक आके जहाँ पे जीमेल क्रिएट करने वाले तो वहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट कर देने के बाद देखिए लास्ट का आपको जीमेल के बाद जितना भी है उसको आपको ऐसे कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे कट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया, आपको अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना है जो कि आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ना ही मेरे को वेरीफिकेशन करना पड़ा और ना ही मेरे को फोन नंबर डालना पड़ा, इजिली मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यही था फुल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।